दोस्तों, मेवाड़ के इस वीर का इतिहास में कोई खास वर्णन नहीं है और जितना है उसमें उन्हें गद्दार की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, ये महावीर कोई और नहीं है बल्कि स्वयं महाराणा प्रताप के ही भाई है, जिन्हें मेवाड़ के इतिहास में शक्ति सिंह या शक्ता नाम से भी जाना जाता है। महाराज शक्ति सिंह को धोखेबाज गद्दार कहा जाता है कि इन्होंने महाराणा प्रताप को धोखा दिया। मुगलों से जा मिले हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से अपने भाई महाराणा प्रताप के विरुद्ध थे। अपने पिता महाराणा उदय सिंह से प्रतिशोध लेना चाहते थे। महाराणा प्रताप पर जानलेवा हमले की ये सब बातें झूठ है, बल्कि इसके विपरीत महाराज शक्ति सिंह का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। हाँ, हम कह सकते हैं कि महाराज शक्ति सिंह स्वभाव से थोड़े उग्र थे, जल्दी नाराज हो जाते थे, लेकिन गद्दार नहीं थे। चलिए जानते हैं महाराणा प्रताप के छोटे भाई का गौरवशाली इतिहास। जन्म 1540 में हुआ था। पिता महाराणा उदय सिंह जी, माता राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी महारानी सज्जाबाई सोलंकी जी, भाई मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप सिंह। एक दिन महाराणा उदय सिंह का दरबार लगा हुआ था। वहां पर एक तलवार बेचने वाला आया। अब तलवार की धार को जांचने के लिए कुंवर प्रताप ने तो एक कपड़े को तलवार के ऊपर फेंक कर तलवार की धार जांच ली, लेकिन शक्ति सिंह जी ने तो तलवार की धार से अपना अंगूठा चीर कर बताया कि धार बहुत तेज है। ये मेवाड़ के दरबार के कानून का उल्लंघन था। महाराणा उदय सिंह को अपने पुत्र शक्ति सिंह पर क्रोध आ गया। शक्ति सिंह नाराज होकर वहां से चले गए, परंतु राणा प्रताप से उनका कोई द्वेष नहीं था, उन्हें सत्ता का भी कोई लोभ नहीं था। हाँ, एक बार महाराणा प्रताप सिंह जंगल में शिकार खेल रहे थे तो महाराज शक्ति सिंह भी वहीं शिकार खेल रहे थे। उसी वक्त दोनों ने एक जंगली सुअर को मार दिया। अब दोनों में आपस में बहस होने लगी कि शिकार मेरा है। महाराणा प्रताप और महाराज शक्ति सिंह की आपस में मुठभेड़ होने लगी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। समस्या बहुत ही विकट थी। अगर किसी को कुछ भी हो जाता तो मेवाड़ के इतिहास में कलंक लग जाता। झगड़ा रुकवाने के लिए मेवाड़ के राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल को आत्महत्या करनी पड़ी। महाराणा प्रताप यह देख बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर महाराज शक्ति सिंह को मेवाड़ से बेदखल कर दिया। हाँ, ये भी सच है, अकबर ने शक्ति सिंह जी को अपनी तरफ करने में भरपूर कोशिश की, परंतु वह काफी हद तक नाकाम रहा। बल्कि अकबर को तो इसका उल्टा नुकसान हुआ। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था तो उसकी सूचना शक्ति सिंह ने अपने पिता उदय सिंह को पहले ही दे दी थी, जिससे मेवाड़ राज परिवार की सुरक्षा हो सकी। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा चेतक के साथ युद्ध भूमि से जब बाहर गए तो बनास नदी के पास पहुंचकर खुरासान खां और मुल्तान खां मुगल उनका पीछा कर रहे थे, तो महाराज शक्ति सिंह वहां आ गए और दोनों को मार गिराया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु शक्ति सिंह जी ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया और उन्हें वहां से सुरक्षित भेज दिया। शक्ति सिंह जी के विषय में ऐसा भी वर्णन है कि 1572 से 76 तक डूंगरपुर के रावल आसकरण की सेवा में गए थे। उसके बाद मुगल सेवा में जाने का उल्लेख तो है, परंतु मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ने का प्रमाण इतिहास में नहीं है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद वेनगढ़ और भैसरोड़गढ़ दुर्ग को जीता और अपने भाई महाराणा प्रताप को भेंट किया। राणा प्रताप ने खुश होकर वापस वह दुर्ग शक्ति सिंह जी को ही सौंप दिए और मेवाड़ राजघराने की महिलाओं को भी भैसरोड़गढ़ दुर्ग में ही रखा गया। शक्ति सिंह जी और उनके भाई वीरमदेव जी को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। भिंडर जागीर पर मिर्जा बहादुर ने हमला किया। वहां के शासक मान सिंह सोनगरा के पुत्र अमर सिंह सोनगरा थे। उन्होंने शक्ति सिंह जी की सहायता मांगी। शक्ति सिंह जी ने मिर्जा बहादुर को भी पराजित किया। महाराणा प्रताप ने जब यह खबर सुनी तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। अमर सिंह जी को कोई और जागीर देकर शक्ति सिंह जी को ही भिंडर जागीर दे दी और महाराणा प्रताप ने वेंगू की जागीर भी सौंप दी। अमर सिंह जी के शासनकाल के समय शक्ति सिंह जी के उटाला के युद्ध में 11 से 12 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए थे,
दोस्तों, अंत में 1594 में महाराज शक्ति सिंह की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर महाराणा प्रताप सिंह फूट फूट कर रोए।